भारत में धार्मिक उत्सवों के दौरान लोगों का जोश देखते ही बनता है। बात चाहे भीड़ की हो, जश्न या जोश की, इरादा होता है जो करो दिल खोल कर करो। जब हम मिलकर काम करते हैं, अपने दिलों को एक करते हैं, तो भगवान हमारे जरिए चमत्कार करते हैं। और जब बात खाने की हो तो ये मेगा किचन इस बात पर खरा उतरता है। यहाँ से श्रद्धालु रोजाना सैकड़ों बसों में सफर पर निकलेंगे, फिर वापस लौटेंगे, और जब वो लौटेंगे तो वो भूखे होंगे। इसलिए हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि सब कुछ समय पर तैयार हो। ये किचन देश के एक कोने से दूसरे कोने की यात्रा करता है, वो भी रातों रात पूरे इंतजाम के साथ। हम 3 ट्रक को लोड करते हैं, अनलोड करते हैं, रात भर में किचन सेट करते हैं, और जैसे ही किचन सेट होता है, खाना बनाने वाली टीम सुबह 4 बजे से खाना बनाने लगती है। ठीक समय पर उन हजारों भक्तों को खाना खिलाने के लिए जो निकले हैं आध्यात्मिक यात्रा पर। ये किचन जितनी सफाई से तैयार की जाती है, उतनी ही तेजी से समेट भी ली जाती है। स्वागत है इस्कॉन की यात्रा किचन में, चलती फिरती मेगा किचन। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे बसा है वृंदावन। ये शहर आज के भारत में भी उतना ही अहम है जितना कि हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में। माना जाता है कि यही वो जगह है जहां भगवान कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। जंगलों में गायों, गौशालाओं और अपने खूब सारे गोप गोपियों के बीच, और आज भी श्री कृष्ण के लाखों भक्त उनके दर्शन करने, उनकी पूजा करने और उसका एहसास करने आते हैं, जिसे लोग कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस। इस्कॉन या इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के मेंबर्स के लिए वृंदावन एक पवित्र धाम है, खासकर अक्टूबर और नवंबर में, जो हिंदू कैलेंडर में बहुत पवित्र दिन माने जाते हैं, जिसे कहते हैं कार्तिक मास। कार्तिक मास के वक्त वृंदावन उस अनोखी रोड ट्रिप का गढ़ बन जाता है जिसे ऑर्गेनाइज करता है इस्कॉन, और जिसे कहते हैं यात्रा। संस्कृत के शब्द यात्रा का मतलब है जर्नी, स्पिरिचुअली भी और लिटरली भी, जिसमें सैकड़ों हजारों किलोमीटर का सफर तय करके दुनिया भर से भक्त यहाँ पहुँचते हैं। 11 दिन वो एक से एक पवित्र मंदिरों और धामों की परिक्रमा करते हुए शुरू के 6 दिन वृंदावन में और फिर आखिरी 5 दिन पास के गोवर्धन में बिताएंगे। इससे उनकी आध्यात्मिक जरूरतें तो पूरी हो जाएंगी, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स को उनकी बुनियादी जरूरतों को भी पूरा करना होगा। लेकिन उसके लिए दक्षिण में करीब 1500 किलोमीटर की यात्रा करके जाना होगा महाराष्ट्र के वाडा जिले में। गोवर्धन इको विलेज इस्कॉन के सबसे शांत माहौल में बसा है, जहां एक छोटा सा खेती करने वाला समाज कुदरत के करीब रहकर सस्टेनेबल लिविंग अपनाए हुए है। महानगर मुंबई से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर यहां इस्कॉन के मेंबर्स जरूरी बातचीत कर रहे हैं। 200 including almost 30 to 40 ब्रह्मचारी। ये वो मुख्य टीम है जो यात्रा से जुड़ी सभी चीजों का ध्यान रखेगी। मैं अभी हाल ही में वृंदावन गया था और इस साल करीब करीब 5000 श्रद्धालु वहां आए थे। खरीदारी के लिए आपने क्या योजना बनाई है, मतलब कौन सी सामग्री आपके पास कहां से आने वाली है, कहां कहां से खरीदने वाले और है? इस टीम के मुखिया हैं इस्कॉन के स्वामी श्री गौरंग दास जी, जिन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई की है। उनकी टीम को पक्का करना होगा कि यात्रा में भाग लेने वाले हर श्रद्धालु की यात्रा बिना किसी रुकावट के पूरी हो। इसका एक अहम हिस्सा है वृंदावन में एक मेगा किचन बनाना, जहां दिन में 2 बार खाना बनेगा 5000 से ज्यादा लोगों के लिए। ये इंडियन आर्मी की एक इन्फेंट्री डिवीजन को खाना खिलाने जैसा है। ये वो जगह है जहां हम सब एक साथ योजना के लिए बैठते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत ही आध्यात्मिक और
मेलजोल वाले माहौल में हम पूरी यात्रा की अच्छे से योजना बना पाते हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस के इन सन्यासियों में कुछ इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज से पढ़े क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं। यहाँ ये प्लानिंग कर रहे हैं हर चीज पर सिस्टमैटिकली ध्यान देते हुए। हमने इसकी शुरुआत करीब करीब 3 महीने पहले की थी, जब यहाँ किचन की लोकेशन देखने हम आए थे कि हम किस जगह किचन को सेट कर सकते हैं। मेगा किचन के हर पहलू को कागज पर उतारा जाता है। आने जाने में आसानी से सेफ्टी तक की हर चीज पर बारीकी से ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा हीट भी कम लगेगी क्योंकि ये चूल्हा इंसुलेटेड होगा। लेकिन ये कोई मामूली किचन नहीं है, ये है मेगा किचन ऑन द मूव, जिसमें वाडा से भेजे जाते हैं किचन के बड़े बड़े साजो सामान, क्योंकि यात्रा किचन को जरूरत होगी करीब 20 टन सामान की, जिनमें हैं वो बर्तन जिनका वजन 100 किलो से भी ज्यादा है। इनमें दिन में 2 बार खाना बनेगा, 5,000 से ज्यादा लोगों के लिए 11 से ज्यादा दिनों तक, यानी कि 1,10,000 मील्स। इस बीच वृंदावन में कागज पर बना नक्शा अब असली रसोई में तब्दील हो रहा है। मेन कुकिंग एरिया करीब 5,000 स्क्वायर फीट का है। पास की 1,500 स्क्वायर फीट की जगह में रोटियां और डोसे बनाने का इंतजाम किया जाएगा। गोदाम अलग से 1,500 स्क्वायर फीट की जगह लेगा और फाइनली 5,000 स्क्वायर फीट जगह में वॉलंटियर्स सब्जियां काटेंगे। मेन किचन में अहम होंगे लाइन से बने कुकिंग स्टेशंस, जिनको बांटा गया है कुकिंग की डिफरेंट स्टेजेस, जैसे बॉइलिंग, स्टर फ्राइंग और डीप फ्राइंग के हिसाब से। हमने पूरा पंडाल लोकल पंडाल वाले से लगवाया है। अब हमें ये सुनिश्चित करना है कि खाना बनाने का जो हिस्सा है समय से तैयार हो जाए। ये सेटअप देखने में भले ही सीधा सादा लगे, लेकिन इस किचन के नक्शे में शामिल हैं कुछ बहुत ही अनकॉमन किचन टेक्नोलॉजीज, जैसे कि ये इम्प्रोवाइज्ड चूल्हा। हमारा खाना बल्क में बनेगा और उसे बनाने के लिए हम लकड़ी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम लकड़ी का कम इस्तेमाल करेंगे और उसमें बहुत कम धुआं होगा और जितना भी होगा वो ऊपर चला जाएगा एक चिमनी के जरिए। इस टेक्नोलॉजी से ये किचन लगभग नो स्मोकिंग जोन बन जाएगा। लकड़ी जलाने की भट्टी जमीन के नीचे बनाई जाती है और इससे निकलने वाला धुआं एक रॉकेट एल्बो पाइपलाइन से गुजरेगा और फिर ये चिमनी से होता हुआ ऊपर जाएगा। इससे मेन किचन में ज्यादा धुआं नहीं होगा। तो इस वाले चूल्हे में हम लोग सिर्फ मिट्टी और ईंटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ईंट भी मिट्टी से ही बनी है, तो बेसिकली हम मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी ये कम्प्लीटली इको फ्रेंडली है। किचन सेट होने के साथ ही स्मार्ट टेक्नोलॉजी की कुछ और मिसालें दिखाई देने लगती हैं, जैसे कि ये जिस पर वेणुधारी दास अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं। खास करके बड़ा बड़ा बर्तन या हॉट गर्म जो कुक बर्तन है वो सर्विंग टेबल पे लेके जाना बहुत मुश्किल होता है, तो मैंने सोचा कि ये कैसा लेके जाएंगे। इसका समाधान है एक 600 फुट लंबा ट्रैक एंड ट्रॉली सिस्टम, जो कार्गो ट्रेन की तरह काम करेगा। ये शुरू होता है इम्प्रोवाइज्ड चूल्हा सेक्शन से, किचन से बाहर जाकर पूरे कोर्टयार्ड से गुजरता हुआ ये पहुंचता है अपनी मंजिल पर, यानी डाइनिंग एरिया। वेनु धारी दास ट्रैक की खुद जांच करते हैं ताकि ये एकदम स्मूथ हो और कोई चीज गिरकर बर्बाद ना हो। टीम के पास एक और किचन टेक्नोलॉजी की भी जिम्मेदारी है, जो लगता है सीधे किसी कंस्ट्रक्शन साइट से ली गई है। 2008 में जब ये हम कुकिंग कर रहे थे तो अंडरग्राउंड चूल्हा था, तो उसमें से पतीला अगर ट्रैक पे लेना है तो चेन डालते थे, चेन से बहुत मुश्किल से खींचते थे, तो मैंने उतना ही माइंड में रख के
फिर वो बर्तन कैसा ट्रैक पे इजी आ जाए, इसलिए मैंने ट्रेन सिस्टम बना दिया। क्रेन सिस्टम लगाने में हेड शेफ से लेकर हेल्पर्स तक सभी जुटे हुए हैं। क्रेन एंड पुली सिस्टम बड़े, भारी और खतरनाक काम को हल्का और सुरक्षित बना देता है। इजी है, एक बार आप अगर देखेंगे, 10-12 साल का लड़का भी अगर उसको थोड़ा आइडल सा आ जाएगा तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही लगा कि काम पूरा हो गया, तभी एक मुश्किल खड़ी हुई। एक ओवरहेड पिलर से क्रेन का रास्ता रुक रहा है। वैसे ये कुछ इंच दूर है, पर ये एक बड़ी मुश्किल पैदा करने के लिए काफी है। क्या हो गया, पंडाल को वाले को साइज दिया था हमने, लेकिन थोड़ा अंदर के साइड हो गया। इधर क्रेन टीम इस अड़चन को दूर करने पर दिमाग लगाती है। उधर वृंदावन में यात्रा के शुरू होने में एक दिन भी नहीं बचा है। अच्छी बात यह है कि ये सन्यासी इंजीनियर्स भी हैं। तो ऐसा एक और जो बल्ली है वो हम लोग यहाँ लगाएंगे और वो जब ऊपर फिट हो जाएगा इसको हटा देंगे, तो फिर वो स्पेस अपने को मिलेगा। फौरन ही एक आसान से समाधान पर काम शुरू हो जाता है, जो है सपोर्ट पिलर को निकालकर रास्ते से हटा कर लगाना। सिस्टम्स इंस्टॉल करके डबल चेक किए जाते हैं, आखिरकार अड़चन दूर हो जाती है। सुबह जो पंडल के डायमेंशन के कारण थोड़ा मिस्टेक हो गया था पंडल वाले का, तो उसका डायमेंशन के बराबर कर दिया। तो अभी मेरा क्रेन पूरा सेट हो गया है, पूरा हमने ट्रायल ले लिया है, तो कल का प्रोग्राम के लिए हम अभी रेडी है। और वो भी टाइम पर। यात्रा किचन के हर सेक्शन की तैयारियां तेजी से पूरी की जा रही हैं। तो अभी हम सारी चीजों को चेक कर रहे हैं, सारे बर्तनों को धो के साफ कर रहे हैं, साजो सामान को चेक कर रहे हैं कि वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, और सब लोगों को उनकी जिम्मेदारियां दे रहे हैं। आज शाम को हम लोगों की एक मीटिंग है, उसमें हम अपनी टीम को इन्फॉर्म करेंगे और साथ ही उनमें सेवा भाव जगाएंगे। आने वाले 10 दिनों के अंदर यहाँ बहुत गहमा गहमी रहने वाली है, और इसी को कहते हैं सेवा। हजारों की तादाद में श्री कृष्ण भक्त पवित्र धाम वृंदावन पहुंचने लगे हैं, यात्रा शुरू करने के जोश से भरपूर। और उनके साथ ही पहुंचता है गोवर्धन इको विलेज से आया ट्रक। सारा सामान तेजी से उतार कर उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा। लेवल करते हुए उतरा। एक एक करके किचन का सारा सामान जमा हो जाता है और अब बारी आती है खाना बनाने की चीजों की। पास के शहर मथुरा से सब्जियां खरीदने की जिम्मेदारी भक्त चरण दास जी पर है। यहाँ पे जो लोकल सब्जी ग्रोन होती है वो यहाँ से परचेस करते हैं हम, लाइक कैप्सिकम एंड कैबेज एंड कॉलीफ्लावर। रोज का कम से कम 3 से 3.5 टन सब्जी लगता है, क्योंकि 5,500-6,000 डिवोटीज हैं हमारे पास। आज सुबह खरीदारी करने वाली टीम पास के मथुरा शहर में ताजी गोभी खरीदने आई है। और गोभी कितना ग्राम प्रॉफिट है? गोभी 1,000 किलो। यात्रा किचन को कम से कम 1,000 किलो सब्जियों की जरूरत है। गोभी में यहाँ पे 2 वेरायटी मिलती है, एक तो हाइब्रिड, वो एकदम पूरा व्हाइट कलर में दिखता है, तो लोगों को कलरिंग ज्यादा चाहिए, बट मुझे क्वालिटी चाहिए। तो ऑफ व्हाइट में आता है, दिस इज देसी ब्रांड, फर्टिलाइजर यूज नहीं करते हैं, ऑर्गेनिकली ग्रो करते हैं, तो कलर उतना क्लियर दिखता नहीं है, बट टेस्ट में बहुत अच्छा होता है। ये अपना जितना भी है पूरा इसी ब्रांड का होना चाहिए। इसमें का अपने को 1,000 किलो करना है। इसी का करा देता हूं। ठीक है लाला, एक इनके 1,000 किलो गोभी तोल के रखी करना। क्या टमाटर का बताइए मेरे को भाई? सुपर माल 50 रुपए किलो।
गोभी के अलावा इन्हें चाहिए 1500 किलो टमाटर, 1500 किलो आलू, 1000 किलो गाजर और करीब 3500 किलो दूसरी सब्जियां। लेकिन अभी एक चीज और खरीदी जानी है जिसका गहरा नाता है कृष्ण की कथा से। वो मुरली वाले भगवान जो अपने अवतारी बचपन में गाय चराते थे, गोपियों से अटखेलियां करते थे और ताजा मक्खन चुराया करते थे। इसी कथा से प्रेरणा लेकर यात्रा मेन्यू में खूब सारा मक्खन मलाई, पनीर और घी शामिल किया गया है। सबसे खास बातों में से एक बात यह है कि हम जो दूध और घी का इस्तेमाल करते हैं वो घी और बाकी सब अहिंसा सोर्सेज से ही आए। अहिंसा सोर्सेज का मतलब है कि वो गाय जो यहाँ पूरे जीवन के लिए सुरक्षित हैं। अहिंसा पुरानी हिंदू परंपरा है और इस्कॉन की गौशालाओं में इसके मायने हैं गायों की उनके दूध देने की उम्र के बाद भी सेवा करना। माना जाता है कि खुश रहने वाली गायें कम टॉक्सिन्स रिलीज करती हैं, जिससे उनका दूध और उससे बनने वाली चीजें सबकी सेहत के लिए अच्छी होती हैं। यहाँ वृंदावन में 24 घंटे से भी कम वक्त में यात्रा के जन तेजी से अपने काम में जुट जाएगी। ये 10 दिन से ज्यादा तक उन हजारों भूखे भक्तों को खाना खिलाएगी जो आध्यात्मिक यात्रा पर निकलेंगे। वृंदावन में सुबह के 3:30 बजे हैं। हम में से ज्यादातर के लिए अभी रात ही है, लेकिन यात्रा किचन में काम शुरू हो गया है। यहाँ जितने भी भक्त हैं सबका दिन सुबह 2 बजे से 2:30 बजे तक शुरू हो जाता है। सुबह हम अपनी प्रार्थना करके भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लेते हैं, तो कॉन्शियसनेस यही है कि हम भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, भक्तों की सेवा कर रहे हैं। 3 घंटे से भी कम वक्त में ये उन 5000 से ज्यादा भक्तों की 11 दिन की सर्विस में पहला मील सर्व करेगी जो यात्रा के लिए वृंदावन आए हैं। आज हम उपमा बना रहे हैं, ये होगा करीब 325 किलो और साथ में रसम जो होगा 700 लीटर। उपमा एक पारंपरिक साउथ इंडियन डिश है। ये भुनी हुई सूजी, सब्जियों और मसालों को मिलाकर बनाया जाता है। रसम भी एक पारंपरिक साउथ इंडियन रेसिपी है। ये एक मसालेदार सूप है जो दाल, इमली और टमाटर से बनता है। सबसे पहले हम टमाटरों को पानी में उबालते हैं और अभी हम ऐसा 50-50 किलो के 6 बैचेस में कर रहे हैं और हर एक बर्तन में 30 किलो सब्जी है। बारीकी से कटी सब्जियां दिखें तो समझ लीजिए कि कोई है जो इन्हें काट रहा है। ये सब हो रहा है वेजिटेबल कटिंग सेक्शन में। यहां 100 से ज्यादा वॉलंटियर्स सन्यासियों के साथ मिलकर सब्जियां काट रहे हैं। इस सब पर नजर रख रहे हैं सतभुज दास, जो प्रोजेक्ट लीडर जैसे कम और फैमिली मैन जैसे ज्यादा दिखते हैं। जैसे घर में हमारी माँ सब्जियां काटती हैं 4-5 लोगों की फैमिली के लिए, बस यहाँ एक बड़ी फैमिली है करीब 5,500 लोगों की, तो हम बस वही कोऑर्डिनेट करते हैं। उनके सुपरविजन में 150 से ज्यादा वॉलंटियर्स को बताया जाता है कि तय मानकों के हिसाब से कैसे सब्जियों को काटना और छीलना है और कैसे उनको चॉप किया जाना है। अगर आप कैमरा घुमाएं तो पाएंगे कि यहाँ तकरीबन हर किसी के चेहरे पर स्माइल है और यही चीज मुझे यहाँ पे बहुत स्पेशल लगती है, क्योंकि उनको यहाँ पैसा नहीं मिलता। ये लोग यहाँ सुबह सुबह आ जाते हैं और कितनी सारी सब्जी काटते हैं। घर पे ये लोग नहीं करते होंगे पर यहाँ खुशी खुशी करते हैं।
यहाँ ऐसे लोग हैं जो अरबपति हैं और वो ऐसे आदमी के बगल में बैठा है जो बहुत ही ज्यादा गरीब है, लेकिन यहाँ कोई भेदभाव देखने को नहीं मिलेगा कि इस भिंडी को एक अमीर ने काटा है, इस भिंडी को एक गरीब ने काटा है तो मैं तुम्हारी भिंडी नहीं खाऊंगा। यहाँ हर कम्युनिटी के लोग आते हैं, चाहे वो कहीं से भी ताल्लुक रखते हों, और वो सब साथ मिलकर भिंडी काट रहे हैं क्योंकि वो भगवान के भक्तों के लिए है। उधर किचन में बर्तनों में खाना बनना शुरू हो गया है। ये जैसे एक कलिनरी रॉकेट लॉन्च है जिसमें हर बैच सटीक टाइमिंग से काम कर रहा है। हर बैच को 20 मिनट तक हल्की आंच पे पकाना होगा। तो हमने इसे 5:05 पर बनाना शुरू किया था, तो अब 5:25 हो चुके हैं, तो हमने इसे बंद कर दिया है। इसके बाद हम 5-7 मिनट और रुकेंगे और उसके बाद हम नींबू का जूस मिलाएंगे। इसी तरह हमने इसे 5:08 पर शुरू किया 3 मिनट के बाद, तो इसे मैं 3 मिनट के बाद ही बंद करूंगा। घड़ी के हिसाब से 20 मिनट हुए हैं, अब वक्त है लिफ्ट ऑफ का, या इस केस में ये देखने का कि उपमा तैयार है या नहीं। तो हम ये देख रहे हैं कि ये पका है या नहीं पका है। उपमा अगर पक जाएगा तो ये पलटे से चिपकेगा नहीं, ये पलटे पर फिसलना चाहिए। पहला बैच तैयार है और इस पहले बैच का भोग लगाया जाएगा भगवान श्री कृष्ण को। भगवान कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही लोगों को खाना खिलाने का काम शुरू किया जा सकता है। मेन किचन, डाइनिंग एरिया। हरे कृष्णा, गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है। आप लोगों से निवेदन है कि आप सब मेन स्टेज की तरफ बढ़ें, जहां आप लोगों के बैठने का इंतजाम है। गर्मा गर्म खाने की ट्रॉलीज। इसमें बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी भी है। नाश्ता करने के बाद ऊर्जा से भरपूर भक्त अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। हालांकि किचन का क्रू सुबह सुबह का उठा हुआ है, लेकिन अभी आराम नहीं है। अभी 5,000 से ज्यादा लोगों का लंच जो तैयार करना है। यहाँ से श्रद्धालु रोजाना सैकड़ों बसों में सफर पर निकलेंगे, फिर वापस लौटेंगे, और जब वो लौटेंगे तो वो भूखे होंगे। इसलिए हम ध्यान रखते हैं कि सब कुछ समय पर तैयार हो। वृंदावन कार्तिक मास के उत्सव में सराबोर है। हिंदू कैलेंडर में ये महीना पवित्र माना जाता है। कृष्ण भक्त अपने आराध्य का उत्सव मनाते हैं, जिसमें वो आध्यात्मिक रोड ट्रिप में शामिल होते हैं, जिसे कहते हैं यात्रा। दोपहर हो गई है, श्रद्धालु यात्रा पर हैं और यात्रा किचन में लंच की तैयारी जोरों पर है। मेन्यू में है मटर की दाल और इसके साथ होगा वेजिटेरियन कोफ्ता, जिसमें बारीक कटी सब्जियों के गोले काजू पेस्ट करी में तैयार किए जाएंगे। इस डिश की बहुत सी चीजें अलग अलग तैयार की जाती हैं, चाहे बात करी की हो या फिर कोफ्ते की। ये एक शानदार डिश है,
लेकिन इसे बनाना कोई आसान काम नहीं। लेकिन इस बात से भी ये टेम्पररी किचन नहीं घबराता। असल में अगले 11 दिन यात्रा में आए भक्तों को परोसा जाने वाला मेन्यू लोकल और ग्लोबल दोनों तरह का होगा। हालांकि ये प्रसाद या पवित्र भोजन माना जाता है, पर मेन्यू फ्यूजन वाला है। ऐसा फ्यूजन जो महीनों पहले गोवर्धन इको विलेज की फूड लैब्स में तैयार किया गया था। इस कॉन में प्रसाद महज फूड नहीं है, ये तो एक पार्ट है डिवोशनल सर्विस की प्रोसेस का। ये सब उस फूड फिलॉसफी का हिस्सा माना जाता है जिसे पवित्र और शांत जीवन का सात्विक अंदाज कहते हैं। माना जाता है ये हमारी सोच, एहसास और हम जो काम करते हैं उसके और हमारे भोजन के बीच एक डायरेक्ट लिंक बनाता है। पैशन और इग्नोरेंस से जुड़े होने की वजह से मीट, प्याज और लहसुन जैसी चीजों का इस्तेमाल नहीं होता। सात्विक दायरे में रहकर ये जितना क्रिएटिव होंगे उतना अच्छा है। हमने बनाई है इटालियन सॉटे वेजिटेबल्स विद चाइनीज सॉसेस। हमने 6 वेजिटेबल्स साथ में सॉटे की है, सो इट्स अ काइंड ऑफ अ फ्यूजन। फूड लैब में तैयार होने वाली हर चीज की नाप तोल करनी होती है। आखिर छोटे क्रू को खिलाना एक बात है, पर हजारों को खिलाना बिल्कुल अलग बात। बस करीब 4-5 टेक्स। रेसिपी को फाइनल करने से पहले हम 4-5 ट्रायल्स करते हैं। सारे मेंबर्स के सहमत होने के बाद इसे शामिल कर दिया जाता है यात्रा रेसिपीज में। लेकिन यात्रा मेन्यू में जगह पाना आसान नहीं है। फूड लैब से यात्रा किचन तक आते आते रेसिपी का नाप हजारों के हिसाब से बढ़ जाता है। तैयारियों को पटरी पर रखने के लिए ऑपरेशनल प्रिसिजन और स्मार्ट सिस्टम्स की जरूरत होती है, जैसे इंग्रेडिएंट्स के एग्जैक्ट मेजरमेंट्स। और ये मेजरमेंट्स लिए जाते हैं मग और टब जैसे बर्तनों से। ये वो है जिसे हम कहते हैं रेसिपी मास्टर। तो जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं उन्हें नापते हैं इन कप से। हम नाप एकदम सही रखते हैं, कैलिब्रेशन और एवरीथिंग इज डन, फिर रेसिपी को दर्ज करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। सो वन टब इज 35 लीटर्स और ये करीब 100 लोगों को सर्व करता है। तो अगर हमें 1000 लोगों को सर्व करना है तो हम इसे 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो अभी हमें बनानी है 18 टब्स ऑफ ग्रेवी कोफ्ते के लिए। सो हमारे पास एक टब की रेसिपी है, इसे 18 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। कश्मीरी मिर्ची पाउडर 16 कप ले लो। इंग्रेडिएंट्स का मिक्स सेट होने के बाद अब इसे हेड शेफ संभालेंगे। आज हमें उम्मीद है कि 700 लीटर कोफ्ता ग्रेवी हमें बनानी पड़ेगी, और इसके बन जाने के बाद हमें करीब 10,000 कोफ्ता बनाने पड़ेंगे, और इन दोनों को मिलाने के बाद हम करीब 5,000 भक्तों को खिला पाएंगे। उस क्रू के लिए ये थकाने वाला काम है जो सुबह से इसमें जुटा हुआ है। लेकिन अब यहाँ वो आए हैं जो इनमें जोश भर देंगे। इस्कॉन के वरिष्ठ सन्यासी और यात्रा किचन के फाउंडर्स में से एक श्री राधानाथ स्वामी जी आज यहाँ पर हैं। 1986 में उन्होंने जब इसे शुरू किया था तब से आज तक किचन ने लंबी यात्रा तय की है। 30 साल पहले हमारे पास एक छोटा सा चूल्हा और खाना बनाने वाले कुछ लोग थे। वो कुछ बर्तनों में खाना रखकर सबको परोसा करते थे और हम रास्ते में कहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर प्रसाद ग्रहण किया करते थे। उन दिनों हमारे यहाँ ऐसा ही चलता था, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, लोग सैकड़ों में और फिर हजारों में आने लगे, तो हमें बड़े बर्तन लाने पड़े और उन्हें ट्रांसपोर्ट करना पड़ा। हमें बड़े बड़े कुकर्स लेने पड़े। हमने ये सब ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की जिससे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को अच्छे से अच्छा खाना मिले और खर्च कम से कम हो। इस किचन की परंपरा के मुताबिक लंच की तैयारियों में भी भगवान कृष्ण को भोग लगाना शामिल है। ऐसी सफलता भी बेहद जरूरी चीजों में से एक है, खासकर एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, के अलग अलग समुदायों के तरह तरह के लोग सही मायनों में एक दूसरे का मोल समझें। और जब हम मिलकर काम करते हैं, अपने दिलों को एक करते हैं, तो
भगवान हमारे जरिए भी चमत्कार करते हैं। ये बेशक आध्यात्मिक और इंसानी मेहनत का मेल है। दिन चढ़ने तक मेन किचन के सभी स्टेशंस पूरी कैपेसिटी से काम में लग चुके हैं। बहरहाल स्वीट सेक्शन के बाहर दामोदर दास के सामने ऐसी अड़चन आ गई जिसकी उम्मीद नहीं थी। आज का डिजर्ट है पाइनएप्पल हलवा, जिसे गोवर्धन इको विलेज की फूड लैब्स में जांचा गया था। लेकिन यहाँ वृंदावन में एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो इसे तैयार होने से रोक रहा है। यहाँ मक्खन नहीं पिघल रहा। जब मैंने यहाँ हलवा चेक किया तो पता चला ये हार्ड है स्टर करने में। फिर मुझे मालूम चला जो बटर हम लाए हैं वो थोड़ा सा कम फैटी है। हलवे का सारा पानी सूख जाने की वजह से वो हार्ड हो गया था और चला नहीं पा रहे थे। दामोदर दास को फौरन इस बारे में सोचकर कोई रास्ता निकालना होगा। हम इसमें थोड़ा घी ऐड करेंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी ठीक हो जाए। इसमें थोड़ा सा घी मिलाने के बाद ये पाइनएप्पल हलवा तैयार हो जाएगा। बारह बजे तक सब चीजें बनकर तैयार हो जाएंगी और 12:30 बजे तक हमें यकीन है कि हम खाना खिलाना शुरू कर देंगे। इधर श्रद्धालु कीर्तन करते हुए सुबह से सड़क पर पदयात्रा कर रहे हैं। दोपहर होने पर वक्त हो चला है अपनी ऊर्जा को फिर से बढ़ाने का, इसलिए वो बसों में बैठकर वापस लौटते हैं। डाइनिंग एरिया में वॉलंटियर्स सर्विस से पहले की आखिरी ड्रिल कर रहे हैं। प्लेट लेकर यहाँ आएंगे, यहाँ आप 2 चपाती रखेंगे इसमें, ठीक है? तो जब वो चपाती लेकर आगे बढ़ेंगे तब आप इसमें चावल डालेंगे। समय हो गया है 12:30। सुबह से सड़क पर ज्यादातर पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। डाइनिंग हॉल वॉलंटियर्स यात्रा से थके हर श्रद्धालु का स्वागत करते हैं और उनकी गिनती भी करते हैं। हमारे यहाँ काउंटिंग सिस्टम है जो एक्चुअली हमारी ये रिकॉर्ड रखने में हेल्प करता है कि कितने लोगों ने यहाँ खाना खाया है और कितने आ चुके हैं। भूखे श्रद्धालु थालियों में न्यूट्रिशियस वेजिटेरियन खाना लेते हैं। जो लोग कम मसाले वाला खाना खाते हैं उनके लिए अलग काउंटर है। ये बात मायने नहीं रखती कि खाना कितना स्वादिष्ट है, श्रद्धालुओं के लिए इस प्रसाद के मायने स्वाद से कहीं बढ़कर हैं। प्रसाद का मतलब है मर्सी। संस्कृत में इस वर्ड का मतलब है मर्सी, लेकिन मर्सी किसकी? मर्सी ऑफ कृष्णा। बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करो, बढ़िया सा लंच और बहुत ही लाइट डिनर, इससे आपकी स्पिरिचुअल बैटरीज चार्ज हो जाती हैं। जहां कभी कृष्ण ने लीला रचाई थी उस वृंदावन में शाम होने पर यात्रा मेन्यू में एक बदलाव आता है। रुख होता है भूख शांत करने वाली चीज से आत्मा को तृप्त करने वाली चीज की तरफ। वन में यात्रा का आखिरी दिन खत्म होने को है। किचन क्रू ने आधा रास्ता पार कर लिया है। ये बहुत भागदौड़ वाला सर्विस एक्सपीरियंस रहा, मगर इस बात की खुशी है कि हम काफी सारे लोगों को सर्व कर पाए। करीब 60,000 मील्स हमने इस पूरे हफ्ते सर्व किए। अब जबकि हम रसोई के मेहनत भरे काम के 5 दिन पूरे कर चुके हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती अब हमारे लिए होगी अपने उत्साह और जोश को बनाए रखने की। उधर आध्यात्मिक उत्सव देर रात तक जारी रहता है, इधर मेगा किचन एक बार फिर चलने की तैयारी करती है। सारा सामान पैक करके फिर से यात्रा पर निकलने का समय आ पहुंचा है।
वृंदावन में 5 दिन की कुकिंग के बाद यात्रा टीम लोकेशन बदलने की तैयारी में है। आधी यात्रा के दौरान चलती फिरती किचन ने 60,000 से ज्यादा मील्स तैयार किए। हम 3 ट्रक्स को लोड करते हैं, अनलोड करते हैं, रात भर में किचन सेट करते हैं, और जैसे ही किचन सेट होता है तो कुकिंग टीम की बारी आती है और वो सुबह 4 बजे से खाना बनाने में जुट जाती है। एक बार फिर वक्त है यात्रा पर निकलने का। 20 किलोमीटर दूर मौजूद गोवर्धन की तरफ। कृष्ण भक्तों के लिए गोवर्धन एक खास जगह है। उनका मानना है कि यहीं पर कृष्ण ने बारिश के देवता इंद्र के गुस्से से अपने साथी गांव वालों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया था। यात्रा के दौरान श्रद्धालु पर्वत की परिक्रमा करेंगे और रास्ते में आने वाले दूसरे मंदिरों के भी दर्शन करेंगे। ज्यादातर परिक्रमा पैदल भजन कीर्तन करते हुए ही होगी। क्रोएशिया से आए प्रेमा मूर्ति जैसे श्रद्धालुओं को लगता है कि परिक्रमा के दौरान उन्हें आध्यात्मिक अनुभूति होगी। मैं यहाँ आया हूँ इनर डेप्थनेस की खोज में, जो आज वेस्ट के लोगों में मिसिंग है। उनके पास हर एक आउटसाइड लग्जरी तो है, पर वो अंदर की शांति को मिस करते हैं, इसीलिए वो खुश नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ 1,000 किलोमीटर दूर से आया हूँ। प्रेम मूर्ति की तरह कई श्री कृष्ण भक्त विदेशों से आए हैं और ये बात यात्रा किचन को अच्छे से पता है। आज हमने डिसाइड किया है इंटरनेशनल क्विजीन बनाने का। आज भक्तों के लिए ब्रेकफास्ट में है पास्ता और स्वीट कॉर्न सूप। 200 किलो से ज्यादा पास्ता फ्रेश टमाटो सॉस में कुक किया जाएगा। इसके लिए हमने दिल्ली से फ्रेश बेजिल खरीद कर मंगवाई है और यहाँ पर ये है असेंबली लाइन टमेटो सॉस की। इसके लिए हमने 1 टन टमाटर यूज़ किया है। 1 टन टमाटर को हमने बॉईल किया है, प्योरे किया है। ये सब कुछ प्री प्लान होता है रेसिपी में। तो ये सारी चीज़ें एक बैच के लिए हैं और ये टोटल बैच। और हमने सभी भक्तों को कुक्स और असिस्टेंट्स में डिवाइड किया है। हर कोई काम में लगा हुआ है। फाइनल डिश करीब 1400 लीटर होगी। ये टीम उतनी ही ग्लोबल है जितना कि मेन्यू। इसमें शामिल हैं दूर दूर से आए वॉलंटियर्स। खाना कैसा बना है ये तो खाने वाले ही बताएंगे। इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। इसमें इन्होंने इंडियन स्पाइसेस यूज नहीं किए हैं, फिर भी डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। और आई थिंक ये प्रसाद है, इसलिए आप जब इसे खाते हैं तो बस खाते ही चले जाते हैं। यू ईट सो मच। यात्रा के लगभग 2 हफ्तों में कृष्ण श्रद्धालुओं ने भगवान से प्रार्थनाएं की है। कल आखिरी दिन है तो आज समय है भगवान को कुछ देने का। उत्सव पूरा होने को है, इसलिए आज श्रद्धालु भगवान को कुछ देना चाहते हैं अन्नकूट की शक्ल में। अन्नकूट भोग की एक रस्म है जिसमें स्कॉन की कुकिंग टीम की जगह लेंगे कृष्ण के सैकड़ों श्रद्धालु। और मेगा किचन की जगह है लाइन से लगे छोटे छोटे चूल्हे। ये सब मिट्टी के चूल्हे हैं जो पास ही के राजस्थान के गांव बीड में बने हैं। इस साल यहाँ हमारे पास 200 से ज़्यादा चूल्हे हैं। पिछले साल 150 थे। क्योंकि इस साल ज़्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं इसलिए 200 से ज़्यादा चूल्हे लगाए हैं। और सिर्फ यात्रा ऑर्गेनाइजर्स ही इस बड़े इवेंट के लिए तैयार नहीं हैं, बल्कि श्रद्धालु भी चढ़ावा चढ़ाने की तैयारी करके आए हैं।
यहाँ हर भक्त वो चीज बना रहा है जिसे बनाने में वो परफेक्ट है। मैं भगवान कृष्ण के लिए समोसे बना रही हूँ, मैं ये बना सकती हूँ, तो मैंने यही बनाने का फैसला किया। तो आज मैं उन्हें 108 समोसे का भोग लगाऊंगी। श्रद्धालु चाहे जहाँ से आए हों, पर हर एक अपने चूल्हे के पास जमीन पर बैठकर देसी स्टाइल में कुक कर रहा है। यहाँ गर्मी है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा गर्मी है। That's why we call this Krishna consciousness. That's what it is. Lots of people, so much love, so much food. दिन चढ़ने के साथ शौकिया कुक्स बन जाते हैं कृष्ण के शेफ दे कुजीन। काम पूरा होने पर वो प्लेट सजाकर उसे श्री कृष्ण के चरणों पर रखते हैं, जो अल्टीमेट डिवाइन बफे बन गई है। प्रेमा मूर्ति ने भी एक चढ़ावा तैयार किया है। मेरे लिए सन्नकूट फेस्टिवल में शामिल होने के पीछे मतलब है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो भगवान का दिया हुआ है। उसने हमें खाना दिया, रहने की जगह दी, उसने हमें हर एक चीज दी है। तो उनमें से कुछ चीजें यूज करके जो कि उसने हमें दी हैं, एक बढ़िया चीज बनाकर उसे वापस ऑफर करें। इट इज जस्ट अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग लव। जैसे कोई छोटा बच्चा अपने फादर की पॉकेट से 100 का नोट ले और अपने फादर के लिए कोई चीज खरीदे, तो हिज फादर इज हैप्पी। पैसा उसके फादर का ही होता है, बट जस्ट दिस एक्सप्रेशन ऑफ लव, दिस इज समथिंग अमेजिंग। यात्रा का ये एकदम सही अंत है, जहां ये चढ़ावा श्री कृष्ण के आशीर्वाद का प्रतीक है। अब अन्नकूट के जरिए भक्त अपने भगवान को भोजन कराकर अपनी तरफ से कुछ देता है। भगवान के अनुसार जैसे सृष्टि का चक्र चलता है, यात्रा किचन के लिए भी इस सृजन और विनाश का चक्र चलता रहेगा। अभी तो ये खुशियों से भरा कम्युनल सेलिब्रेशन है, मगर जल्दी ही वक्त होगा आगे बढ़ने और कुछ नया रचने का।